दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ ये पार्क जो कि है कोलशेड घाट के बिल्कुल ही पास में, मतलब ये होगा 20-30 मीटर दूर होगा, तो बहुत ही पास में। और ये पब्लिक पार्क बनने वाला है और बहुत ही बढ़िया पार्क है। आज मैंने देखा तो मैं सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। तो जो भी कोलशेड रोड पर प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक पार्क भी बना है जहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब एकदम ग्रीनरी है चारों तरफ। और यहाँ पर आप मतलब अपना फैमिली के साथ भी आ सकते हो टाइम पास के लिए। तो अभी ये बन रहा है और मेरे ख्याल से एक महीना मैक्सिमम ये बन के रेडी हो जाएगा। तो देख लो आप आगे। बस इनको इसमें भी तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब आप वॉक कर सकते हो और काफ़ी मशीन्स वगैरह लगा दी हैं एक्सरसाइज के लिए। आगे दिखाई देगी आपको, वो दिख रही होगी। तो ऐसा है, काफ़ी बड़ा है, आराम से आप वॉक करो सुबह सुबह। और ये देखिए चेयर्स वगैरह लगा दिए। अभी तो ये मेकिंग में ही है और मुझे लग रहा है उस साइड ना नदी किनारे वो सिटिंग अरेंजमेंट होता है जैसे खाना वाना खाने का, वैसा कर देंगे। तो आप जो भी सोच रहे हैं कोलशेड घाट के लिए कि हाँ कोलशेड घाट के पास जो नई नई सोसाइटीज आ रही हैं, सॉरी अभी जरा ये टेम्पो आ गया था, तो नई नई जो सोसाइटीज आ रही हैं, गोदरेज है और कलपत्रु वगैरह और कौन कौन से आ रहे हैं भाई, और रनवाल का आ रहा है, नेम एन्चेंटेड है सबसे हाँ। तो पास में वही है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे पार्क आ गया है बहुत बड़ा, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। तो ये देखिए पेड़ ही पेड़ लगा दिए हैं पूरी तरह। अभी हमने वॉचमैन मैन से पूछा अंदर पार्क बन रहा है क्या, दूर से दिख रहा था थोड़ा सा, तो कह रहे हाँ पार्क बन रहा है, तब मतलब जनता के लिए है ना, किसी का कुछ तो वो कहता अब जनता के लिए ही है, ऐसे हाथों पान कहते अब जनता के लिए ही है। वो पान खा रहे थे ना भैया, जो भी मतलब पता नहीं हमें क्या मतलब है तो सेलिब्रेट को। चलो तो आगे तो बस पार्क सही है, सही है, बहुत बड़ा है यार। हाँ तो ये देखिए काफी आगे तक जो है पार्क ही पार्क है, तो वॉक कर सकते हैं। और पेड़ स्कूटी लाएंगे बाहर पार्क करेंगे, यहाँ वॉक करेंगे। और ये देखिए यार हरियाली पूरी तरफ हरियाली हरियाली कर दिया, पेड़ लगा के फिट कर दिया सब। और वो देखिए वो एक्सरसाइज के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए लगा दिए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, और अनु बैठ रही है, अनु थक गई है, थकी वकी नहीं बस मैं श्री गणेश कर दूं यहाँ बैठने का, सबसे पहले आज हम बैठेंगे। तो श्री गणेश कर दिया है। और दोस्तों हमारे व्लॉग्स वगैरह भी देखते रहे ना आप, और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम कॉमेडी वाले, वो भी देखते हैं, यहाँ की जो है अपडेट देते रहेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ पे घर लेने में तो हमारी वीडियोस देखो। तो हाँ बस ये था कि उद्देश्य है कि आप लोगों को थोड़ा अपडेट मिलता रहे कि जो लोग सोचते हैं कि सोसाइटी वगैरह कैसी है, क्या है उसके आसपास। तो एक कोलशेड घाट है जहाँ विसर्जन होता है, बिल्कुल उसके पास में ही ये इन्होंने पार्क बना दिया। मैं अभी बाहर निकलूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितना पास में है कोलशेड घाट के। मालूम है तुम्हें उन्होंने वो ब्रिज सा क्यों बनाया, नीचे पानी का करेंगे खोद के, तभी यहां पे खास नहीं रखी है ना, हो सकता है ब्रिज रखने का, तो मतलब वो यहां पे कर देंगे खोद के, थोड़ा पानी बना देंगे अंदर सुंदर सा, ये भी पत्थर मतलब कि नदी से बहेगी। तो दोस्तों खुशखबरी आप सभी के लिए, और होप करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी कि हमने जो एरिया है यहाँ का वो दिखा दिया। तो ये है वो पार्क, इसकी एंट्री है, तो जल्दी ये शुरू हो जाएगा, जैसे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, तो लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ कुछ ये गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस की याद दिला रहा है, दिल्ली में है बट ये थोड़ा लंबा है। और अब मैं आपको कोलशेड घाट दिखा देता हूँ। कार्ड भी है। तो ये सामने का जो रास्ता है ये जा रहा है आपका सीधा कापुर बावड़ी, सीधा जाएंगे तो कापुर बावड़ी, ठीक है, फिर वो थाने स्टेशन के लिए चला जाता है। और ये है कोलशेड घाट, ठीक है, यहाँ विसर्जन वगैरह होता है। और ये जो है ये यहाँ पर वो पार्क बन रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो बिल्कुल ही पास में। और सामने तो आपको पता ही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह बन गए हैं,
और फिर मतलब आपकी डेली नीड्स के लिए शॉप वगैरह है काफ़ी आगे, तो यहीं पर ही रनवाल का वो कोड नेम जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और अगर आपको कोई और एरिया एक्सप्लोर करवाना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए बाय बाय।